अलीराजपुर जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिन्होंने एक्सपायर दवाइयों के साथ रनिंग डेट की मेडिसिन भी कूड़े के ढेर पर फेंक दी, जो दवाई नवंबर माह वर्ष 2018 में एक्सपायर होनी है। इस प्रकार की दवाई भी बाहर पड़ी हुई मिली। मेडिकल वेस्ट को इस प्रकार खुले में फेंकना भी गैर कानूनी है, जबकि मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की एक प्रक्रिया होती है। पूरे जिले की एक्सपायर मेडिसिन को एकत्र किया जाकर इंदौर की अधिकृत कंपनी के वाहन में भरकर डिस्पोजल के लिए ले जाया जाता है, मगर पिछले 3 माह से ये दवाइयां यही भंगार गाड़ियों के बीच पड़ी हुई है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। जिला चिकित्सालय में 200 से अधिक प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहती है। यहां कमीशन के खातिर सर्जिकल में उपयोग ली जाने वाली सामग्री की जबरन खरीद के आरोप भी लगते रहे हैं, जो बाद में एक्सपायर होने पर फेंक दी जाती है। जब यहां सर्जिकल नहीं होती है तो फिर यह खरीदी क्यों की जाती है। जिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। अलीराजपुर ब्यूरो बब्बू मकरानी के साथ जुबेर निजामी की रिपोर्ट।